दोस्तों, मेरा नाम बद्रीनाथ है और मैं मऊ जिले का हूँ। मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ एक संकट है। ये गौर समाज के लोग हैं, इन लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं काट ले। पुलिस की वैकेंसी का आखिरी दिन है 15 तारीख और अभी तक इन लोगों को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिला है। गार्जियन परेशान, माताएं परेशान, बहनें परेशान, बुजुर्ग परेशान, गार्जियन परेशान, सारे परेशान, समाज के सभी लोग परेशान हैं। तो इस समाज की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। तहसील जाने पर लेखपाल साहब कहते हैं कि ये कमी है, वो कमी है और नीचे का मात्रा गलत है, ऊपर का मात्रा गलत है। तहसील SDM साहब से बात होती है तो वो बोलते हैं तहसीलदार साहब से इस मामले का हल होगा, तो वो डेट पर डेट देते जा रहे हैं। अब कल इनका अगर नहीं बन पाया तो ये लोग आगे इस वैकेंसी से भी बेदखल हो जाएंगे, वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। तो इनके भविष्य को बचाने के लिए सरकार ये निर्णय ले, इस पुलिस वाली वैकेंसी के डेट को एक्सटेंड किया जाए। जब तक इन लोगों का भर नहीं जाता है तब तक इसको इस डेट को बढ़ाया जाए, हमारी पहली मांग है। और छोटे छोटे चीज़ें हैं, सबूत यहाँ तक है, इनके घर में एक लोग का बन चुका है लेकिन उनके बच्चे का नहीं बन रहा है। ये प्रधान जी ST शेड्यूल ट्राइब्स का जब सीट था, ST आरक्षित सीट थी, तब ये ग्राम सभा के सरपंच बने थे, आज इनका भी नहीं बन रहा है। तो ये क्या पैरामीटर लाया गया है? देश के अन्य राज्यों में माला, मादिगा और ढेर सारे IAS ऑफिसर राजस्थान के ट्राइब्स क्लास से आते हैं, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनका अवेयरनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव अवेयरनेस इतना है कि उनके साथ कोई दिक्कत नहीं आती है। इस समाज के लोग पढ़ लिख के आगे नहीं जा पाए, इसलिए इस समाज की आवाज़ कोई उठा नहीं पा रहा है कायदे से। इस आवाज़ को उठाने का काम घोसी नवनिर्माण मंच करेगा, हर गांव में आएगा और हर व्यक्ति की समस्या को उठाएगा और सरकार तक पहुंचाएगा और समाधान दिलाएगा। इन अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, अगर वो नहीं समझेंगे तो एक बड़े आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं। आंदोलन किया जाएगा, धरना अनशन प्रदर्शन किया जाएगा और इनका हक दिलाया जाएगा तो दिलाया जाएगा। भटिया के हैं, पोस्ट दुबारी, जिला मऊ। हम लोग का जात प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, EB पुलिस का फॉर्म निकला है, हम भर नहीं पा रहे, कह रहे हैं कि नहीं बनेगा, जबकि इनका 2014 में जारी किया गया था और अब आज के डेट में इसको रिन्यू करके इनका सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। ये भी एक समस्या है जिसका सबूत ये है। हमारा जाति प्रमाण पत्र बना था, उसके बाद हम अपने बच्चे को लेकर, क्योंकि पिताजी का बन गया था, हम अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो बता रहे हैं कि नहीं बनेगा, कोई जारी नहीं है। तुम्हारी जाति प्रमाण पत्र के बोर्ड में कहाँ लिखा है कि बोर्ड कहाँ है? वो कह रहा है कि 1359 की नकल लाई है, 5654 की नकल लाई है। हम सब लोग लेके जाते हैं फिर भी हमारे जाति की सुनवाई नहीं हो रही है। श्रवण कुमार गौर, ग्राम पंचायत भटिया का पूर्व प्रधान रह चुका हूँ। मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि अगर सरकार के जो कर्मचारी हैं, लेखपाल, कनगो, तहसीलदार, ये कहते हैं कि यहाँ गुण नहीं पाई जाती, अगर गुण नहीं पाई जाती तो हमको चुनाव में हमारे यहाँ सुरक्षित सीट थी ST की, तो हम क्यों प्रधान हुए? सरकार को इसका जवाब देना होगा कि जब यहाँ गुण नहीं पाई जाती है तो हम लोग की ST सीट सुरक्षित क्यों किया गया? और हम लोग हमेशा प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेखपाल अपनी मनमानी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ गुड़ नहीं पाई जाती है, हम सारा साक्ष्य देते हैं, उसके बावजूद भी लेखपाल मनमानी अपनी कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि अपने पहले जो नीचे कर्मचारी हैं उनको सुधारें, ताकि हम लोग के बच्चों का भविष्य अंधकारमय जा रहा है और जब तक हम लोग का जात प्रमाण पत्र जारी न हो तब तक वैकेंसी स्टार्ट की जाए, उसके बाद हम लोग का जात प्रमाण पत्र जारी हो जाए तब वैकेंसी चालू की जाए। अच्छा, लोगों की खतौनी भी बनी है लेकिन ढेर सारे लोगों के पास ज़मीनें नहीं हैं, तो मामला यह आया था कि वो खतौनी कैसे बनाएंगे, एक फसली, द्विफसली, अगर उनके पास एक कड़ी भी ज़मीन नहीं है, भूमिहीन लोग हैं, उनका कैसे तो उनका भी नहीं बनेगा, वो अधिकारों से वंचित किए जा रहे हैं। एक तो ईश्वरीय व्यवस्था है कि उनके पिता के पास ज़मीन नहीं है, उनके बेटे के पास नहीं है, दूसरी मार सरकारी व्यवस्था उनके ऊपर पड़ रही है, तो क्यों ऐसा हो रहा है?
चारों तरफ से मारे जाएंगे लोग, तो अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे अपने बच्चों के भविष्य को संवारेंगे? सवाल ये खड़ा हुआ है प्रशासन की निरंकुशता से। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को समझे और इस कार्य को करे और इन लोगों को न्याय मिले, जल्द से जल्द मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस आवाज को लखनऊ तक पहुंचाया जाएगा, अगर जरूरत पड़े तो दिल्ली में जाकर ये लड़ाई लड़ी जाएगी और इनका हक दिलाया जाएगा।